नमस्ते स्टूडेंट्स, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं एशाज यंग आईएएस पर मराठी क्लास 10th टेक्स्ट बुक, जो इंग्लिश मीडियम की टेक्स्ट बुक है, अक्षर भारती, उसकी सीरीज। ये पहला पार्ट है उसमें। ये पहला चैप्टर जो है एक्चुअली प्रार्थना है, ये है तू बुद्धि दे। इसे लिखा है गुरु ठाकुर ने। ये एक प्रसिद्ध फेमस कवि गीतकार है। उन्होंने काफी सारी मराठी मूवीज के लिए भी सॉन्ग्स लिखे हैं, और ये जो तू बुद्धि दे है, ये प्रार्थना भी डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे इस मूवी में दर्शाया गया है। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। लिखा है, प्रस्तुत प्रार्थनेत सन्मार्ग, सन्मति आणि सत्संगति यांचे महत्व कवि ने अधोरेखित केले आहे। इसका मतलब है कि इस प्रार्थना में सन्मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता, तो सन्मार्ग मतलब सही रास्ता, सन्मति, मत मतलब अपना अपने विचार, सन्मति मतलब अच्छे विचार, और यानी सत्संगति मतलब संग रहना, तो हम हमेशा सत्य के संग रहे। तो इसके बारे में इनके महत्व, महत्व मतलब इम्पोर्टेंस, पोएट ने, कवि ने अधोरेखित किया है। अधोरेख, रेखा मतलब के लाइन, तो अधोरेखित मतलब अंडरलाइन, तो इन चीजों को इस प्रार्थना में कवि ने अंडरलाइन किया, इम्पोर्टेंस इसका समझाया है। कायम सत्याची कास धरता यावी, मतलब के हमेशा सत्य की हम पकड़ धर के रखे, मतलब पकड़ के रखे हम उसको। संवेदनशीलता जपण्यासाठी ताकत मिळावी, मतलब संवेदनशीलता मतलब इंसान के लिए जो एम्पथी बोलते, जो हमको फीलिंग होनी चाहिए, उनके उनके दुख को हम समझे, उसको संवेदनशीलता कहते। तो संवेदनशीलता हम जपे मतलब हम संभाल के रखे, हम में रहे वो, उसके लिए ताकत चाहिए, तो ताकत मिळावी। तो ये हम प्रार्थना कर रहे हैं इसमें कि सत्य हम रखे हमेशा अपने साथ, सत्य को पकड़ के रखे, संवेदनशीलता रखे। अनाथांचे नाथ होण्यास बड़ मिळावे, मतलब अनाथ जो है, जो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है, उनके नाथ, हम उनके नाथ बने, हम उनको संभाले, उसका बड़ मतलब ताकत हमें मिले। वह शाश्वत सौंदर्याचा ध्यास लगावा, मतलब शाश्वत मतलब के जो हमेशा रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी, सौंदर्य मतलब नेचर, तो शाश्वत नेचर जो है, हमेशा रहने वाली नेचर है, उसका भी हम संभाले, उसको ध्यास लगावा। या भावना प्रार्थनेतून व्यक्त झाली आहे, तो मतलब ये भावना, ये फीलिंग्स इस प्रार्थना में दर्शाई गई है। तो अब हम शुरू करते हैं प्रार्थना। ये एक्चुअली गीत है। इसका मतलब है हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें बुद्धि दे, हमें समझ दे, तेज दे, तेज मतलब लाइट, प्रकाश, तो हमको एनलाइटनमेंट दे, हमको समझ दे, नव चेतना, नव मतलब नई चेतना, मतलब नई लाइफ, नई स्पिरिट, नई उम्मीद, ऐसे तो नव चेतना मतलब नव चैतन्य, विश्वास दे, इसका हमें विश्वास दे। जे सत्य सुंदर सर्वथा आ जन्म त्याचा ध्यास दे, मतलब जो सत्य है, सच है, सुंदर है, सर्वथा, सर्वथा का मतलब भी नीचे शब्दार्थ में दिया गया है, सदैव, मतलब जो सत्य सुंदर हमेशा है, आ जन्म हमेशा मतलब जब तक जन्म भर, जब तक जन्म है तब तक, जब तक जिंदा है तब तक, आ जन्म त्याचा ध्यास दे। ध्यास मतलब ओढ़, ओढ़ मतलब खिंचाव, लाइकनेस, हमारे 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 उसकी लाइकिंग, तो हमको उसकी लाइकिंग दे, जो सत्य है, सुंदर है, आ जन्म है, हमेशा के लिए है, तो उसके हमें लाइकनेस दे। हरवले आभार ज्यांचे हो त्यांचा सोबती, मतलब हरवले मतलब जिसका खो गया है, आभार मतलब के सर पर छत जैसे, आसमान, आभार, तो हरवले मतलब जिस जिनका गमावले, गमावले मतलब के खो गया है, तो लॉस्ट है, तो जिसका आभार खो गया है, ये एक्चुअली वाक् प्रचार है, मतलब कि जिनके जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनके सिर पे छत नहीं है, तो जिनका कोई सहारा नहीं, जानचे हो त्यांचा सोबती, सोबती का मतलब है सोबत में रहना, साथ में रहना, तो उनके साथ रहो। सापड़े ना वाट ज्यांचा ज्यांना हो त्यांचा सारथी, मतलब सापड़े ना मतलब जिसको मिल नहीं रहा है, सापड़े मतलब के मिडम, तो जिसको मिल नहीं रहा है वाट, सापड़े ना वाट मतलब रास्ता, जानना
हो त्यांचा सारथी, सारथी मतलब साथ चलने वाला, राह दिखाने वाला, तो वो उनका आप सारथी बनो। साधना करीती तुझी जे नित्य तव सहवास दे, मतलब जो साधना भक्ति आपकी, जो भक्ति करते वर्शिप करते जो आपको, जे करीती तुझी जे नित्य, नित्य मतलब के हमेशा नेहमी, तव सहवास दे, उनका उनको सहवास दो मतलब उनको आप उनके साथ रहो। जाणावल्या दुर्बलांचे दुख आणि वेदना, मतलब हम जान सके दुर्बल, दुर्बल मतलब के जिनके पास बल नहीं है, शक्ति नहीं है, बिना शक्ति के जो वीक है, कमजोर है। जाणाव्या दुर्बलांचे दुख आणि वेदना, दुख और उनकी वेदना, पेन तकलीफ यातना हम समझ सके, तो वो हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम वो समझ सके। टेवत्या राहो सदा रंध्रा मुन तुमी संवेदना, मतलब हमारे हमेशा सदा मतलब हमेशा रंध्रा मुदी, रंध्र मतलब के छिद्र, छिद्र मतलब के वीन्स नसे, तो हमारे नसों में हमेशा संवेदना रहे, उनके दुख समझने की शक्ति रहे, हम उनकी उनके दुख महसूस कर सके, संवेदना रहे। तो ये हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें संवेदनशील बनाए। धन धम्यातलिया रुधिरास या खल भेदण्याची आस दे, मतलब के रुधिर का मतलब होता है खून, रक्त, ब्लड, तो खल का मतलब होता है इविल, दुष्ट, तो हम रुधिर मतलब के हमारे रक्त में मतलब हमारे नसों के खून में, हमारे धमनियात मतलब भी वीन्स ही होते रंध्र, तो हमारे रसों में के खून में खल भेदनिया ची मतलब के दुष्ट को, ईविल को खत्म करने की आस दे, तो वो हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको वो ताकत दे, हमको वो शक्ति दे। सामर्थ्य मतलब के सामर्थ होना मतलब शक्तिशाली होना, तो सामर्थ्य या शब्दांश आणि अर्थ या जगण्यास दे, मतलब हमारे शब्द में शक्ति दे और हमारे जीवन में, जगने में, लाइफ में अर्थ दे, मीनिंग दे हमारी लाइफ को, तो ये हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। फिर लास्ट 3 लाइन है, सन्मार्ग आणि सन्मिति लाभो सदा सत्संगति, ये हमने ऊपर भी देखा था इंट्रोडक्शन में, सन्मार्ग मतलब सत्य का मार्ग, तो हम सत्य के मार्ग पर, सत्य के रास्ते पे रहे, और सन्मति, सन्मति मतलब चांगली सोच बुद्धि, तो सन्मत हमारी बुद्धि, हमारी समझ अच्छी होनी चाहिए, तो हम सही रास्ते पे हो, हमें सही बुद्धि, हम सही बुद्धि इस्तेमाल करें। लाभो सदा सदा सत्संगति, सत्संगति मतलब संगत मतलब साथ, तो चांगली संगति मतलब अच्छी, अच्छा साथ रहे। नीति ना ही भ्रष्ट हो जरी संकटे आली किति, मतलब नीति मतलब के हमारी सदाचार, हमारा जो अच्छा व्यवहार है, हमारी नीति है, तो हमारे जो नियम है, हम उसको भ्रष्ट ना करें, हम उसको दुष्ट ना करें, हम उसको दूषित ना करें, हम उसको प्रदूषित ना करें, मतलब उसको भ्रष्ट ना करे, करप्ट होता है भ्रष्टाचार, करप्शन होता है, तो भ्रष्ट मतलब खराब करना उसको, तो हम नीति नियम भ्रष्ट ना करे। अगर संकट आई कितनी भी संकट, कितनी भी अड़चन आ गए, हम अपनी नीति को भ्रष्ट ना होने दे, हम सही राह पर रहे, सही राह पर चलना आसान होता है अच्छे टाइम में, पर जब संकट आती है तब हम, जब हम पे तकलीफ आती है तब हम झूठ भी बोल देते हैं, गलत काम भी कर देते हैं, तो वो भी ना हो, कितनी भी संकट आए हम नीति भ्रष्ट ना करें, ये प्रार्थना हम ईश्वर से कर रहे हैं कि हम सही रास्ते पे रहे, सही समझ रखे, अच्छी कंपनी में रहे और हमारी नीति कभी भ्रष्ट ना हो। पंखा सिया बढ़ दे नवे झेपावणिया आकाश दे, मतलब के हमारे पंख में, हमारी जो विंग्स है, ये भी एक वाक् प्रचार है कि हमको हमारे विंग्स में बड़ मतलब शक्ति दे, नवे झेपावणा आकाश दे मतलब नए हम ऊंचाई पे उड़ सके, इतना नया झेपावणा आकाश दे मतलब हमको वो आसमान दे, खुला आसमान दे जहाँ हम उड़ सके, पंख में बड़ दे के हम उड़ सके, तो हम ये ईश्वर से इस प्रार्थना में शक्ति संवेदना मांग रहे, तो ये है।
तो यहीं पे ही आपका पोयम खत्म होता है। ये एक्चुअली आपको ताल सुर में गाने के लिए है, इसके पीछे एक्सरसाइज नहीं। तो यही है, थैंक यू।